हेलो माय डियर माई डिशन वेलकम बैक टू मैग्नेट आईआईटी नीट मैं हूं डॉक्टर हूँ भारद्वाज आपकी बायोलॉजी मेंटोर आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं न्यू चैप्टर फॉर क्लास 11th नीट बायोलॉजी चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का आज हम सबसे फर्स्ट टॉपिक डील करेंगे फर्स्ट टॉपिक दैट इज द रूट्स तो आज हम बात करने वाले हैं रूट्स के बारे में क्या क्या बात करेंगे टाइप्स ऑफ रूट को देखेंगे रूट के क्या फंक्शंस होते हैं वो देखेंगे एज वेल एज मॉडिफिकेशन क्या होते हैं ये देखेंगे तो रूट्स के बारे में आज हम पूरी बात करेंगे

अब आपको मिलता है जो बुकलेट्स होती हैं वो ई बुक्स क्वालिटी कंटेंट एज वेल तो आइए सेशन को स्टार्ट करती हूं और सबसे पहले आपको बताती हूं हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है सो एट फर्स्ट प्लेस द नीट कोर्स मॉड्यूल कंटेन टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन सबसे पहले होता है चैप्टर में दिए गए हर एक टॉपिक के लिए ब्रीफ

का नाम है मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट फ्लावरिंग प्लांट यानी अगर मैं बेसिक टर्म्स में बोलूं तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फीचर्स मॉर्फोलॉजी का मतलब ही होता है एक्सटर्नल फीचर्स तो हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फीचर्स एक्सटर्नल फीचर्स किसके लिए फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए तो मैं कह सकती हूं एनजियोस्पर्म्स के लिए तो हम एनजियोस्पर्म्स का

तीसरी बात कि ये जो सेशन है है ना यहां पर आपको मैं बेस से हर एक चीज बताऊंगी तो सेशंस को ध्यान से देखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट में हम चलो एक्सटर्नल फीचर्स तो पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के लेकिन व्हाट डज एक्सटर्नल फीचर्स इंक्लूड क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स जो है वो हमें पढ़ने हैं ठीक है सो आई टेल यू वॉट ऑल एक्सटर्नल फीचर्स आर यू गोइंग टू स्टडी ठीक है सो द फर्स्ट पार्ट दार्ट दर्ड पार्ट ऑल राइट तो देखो वैसे तो हम इन फ्लोरसेंस और बाकी सारी चीजें भी पढ़ेंगे बट बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का पार्ट है वो क्या है इट इज द इट इज अबाउट द रूट देन इट इज अबाउट द then we go with the leaf ठीक है ठीक है leaves की बात करेंगे यहां, आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं रूट्स के साथ और यहां पर बात खत्म नहीं होती इन्फ्लोरसेंस भी आएगा तो टाइप ऑफ इन्फ्लोरसेंस देखेंगे सारी चीजें देखेंगे लेकिन बेसिकली हम ये तीन चीज पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर ही हम बाकी सारी चीजों को पढ़ेंगे ठीक है अब अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो आज हम रूट पढ़ने वाले हैं फिर हम स्टेम पढ़ेंगे फिर हम लीफ पढ़ेंगे क्या मैं कह सकती हूं कि ये तीनों चीजें प्लांट्स की बॉडी के ऑर्गन्स हैं

जो रूट है वो कैसी होती है क्या पार्ट्स होता है मतलब क्या पार्ट्स होते हैं रूट में uh, क्या फंक्शन होता है रूट का तो वो अबाउट में आ जाएगा सिमिलरली स्टेम के लिए सिमिलरली लीव्स के लिए इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जैसे रूट में हम देखेंगे जोन्स क्या होते हैं और एज वेल एज हम टाइप्स भी देखेंगे इन सबके और आखिरी में जो आपको नहीं पता है जो आपने नहीं पढ़ा है अभी तक ये सब तो आपने फिर भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं लेकिन जो नहीं पढ़ा है अभी तक मॉडिफिकेशंस देखेंगे हम इन सबके

ठीक है रूट पहले कॉपी पेन सब छोड़ के आराम से बैठ के सिर्फ सेशन को सुन लो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लो मैं आपको आखिरी में चांस देती हूं साइड हो जाऊंगी तब लिख लीजिएगा ठीक है तो देखो जब हम रूट की बात करते हैं तो रूट हमने कहां देखी है कहां होती है ग्राउंड के अंदर होती है ठीक है तो रूट इज फाउंड इनसाइड साइड ग्राउंड तो हम कह सकते हैं दैट रूट रूट आर अंडरग्राउंड पार्ट अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट है ना अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का ओल राइट right. इसके बाद भाई जब भी हमने रूट देखे हैं तो रूट में होता क्या है कि अगर ये एक मान लो एक प्लांट ले लेते ले हैं ट्री ले लेते ले हैं दोनों की बात कर लेते हैं supposingly if this is a plant all right if this is a plant certain plant ठीक है ये कोई प्लांट है तो इसके रूट्स आपको कहां दिखती हैं obviously पॉट के अंदर दिखेंगी अगर ये कोई बड़ा ट्री है तो चाहे कितना भी बड़ा ट्री हो चाहे कितना भी बड़ा ट्री हो ट्रीज की भी जो रूट्स होती हैं वो कहाँ होती हैं जमीन के अंदर और जब आप इन रूट्स को कभी भी आपने देखा होगा तो हमेशा आपने देखा होगा ये कैसी होती है नॉन ग्रीन होती है बाकी जो ये स्टेम वाला पार्ट होगा जो लीव्स होंगी वो सब ग्रीन मिलेंगी यहाँ पर बड़े से ट्री में जाओगे तो ये जो है जो पहले के जमाने में स्टेम रही होगी अब इतनी ये मोटी थिक हो गई है, है ना तो पहले तो ये ग्रीन ही रही होगी बाद में जरूर ये वुडी हो जाती है लेकिन जितनी भी रूट्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं नॉन ग्रीन पार्ट्स ठीक है तो यहां पर लिख लेंगे नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं ऑल राइट right. अच्छा अब मुझे ये बताओ कि रूट्स बनती कहां से हैं एक्चुअली में जब भी प्लांट की ग्रोथ होती है तो हमें मालूम है कि एक सीड में से जो एम्ब्रियोनल एक्सेस निकलती है उसका ऊपर वाला पोर्शन जो है ऊपर वाला पोर्शन जो है वो डेवलप वो है रेडिकल सॉरी 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 हाँ, वो है प्लिम्यूल और नीचे वाला पोर्शन जो है इट इज रेडिकल अग्रीड सब अग्री करते हैं। तो जो प्लिम्यूल होता है वो आगे जाकर डेवलप होता है स्टेम में लेकिन यहां पर तो हम स्टेम की बात नहीं कर रहे तो फिलहाल ये हमारे काम का नहीं है यहां हम बात कर रहे हैं रेडिकल की तो रूट ऑलवेज डेवलप्स फ्रॉम दी रेडिकल रेडिकल बनाता है रूट्स को तो क्या मैं यहां पर लिख सकती हूं दैट रूट्स डेवलप फ्रॉम रेडिकल रूट्स डेवलप फ्रॉम रेडिकल रेडिकल से ही जो रूट्स है वो डेवलप होती है क्लियर इसमें कोई बात तो नहीं है अच्छा अब हमने क्लास टेंथ में एक चैप्टर पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का उस चैप्टर में हमने प्लांट्स के अंदर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था जहां पर हमने कुछ मूवमेंट्स देखे थे प्लांट के और वो मूवमेंट्स में आपको याद दिलाना चाहती हूँ कीमोट्रोपिज्म हाइड्रोट्रोपिज्म ऑलराइट ये सब कुछ पढ़ा था जियोट्रॉपिजम uh, तो ये रूट कैसा कैसा आपको डिरेक्शन में किस तरीके का मूवमेंट शो करती है तो जब आप डेवलपमेंट देखते हो रूट का जब आप डेवलपमेंट देखते हो तो इसके डेवलपमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं डेवलपमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं देखो डेवलपमेंटल फीचर्स में हमें मिलता है कि जो सारी की सारी रूट्स है वो किस तरफ ग्रो कर रही है टूवर्ड्स दी ग्राउंड टूवर्ड्स दी ग्राउंड ग्रो कर रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे पॉजिटिव जियो शो करती हैं इनके डेवलपमेंट में आपको क्या मिलता है पॉजिटिव जियो ट्रोपिज्म ठीक है दूसरी बात अगेंस्ट द अच्छा ग्रेविटी की तरफ तो गया तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिजम है लेकिन सन कहां होगा सन यहां होगा अच्छा ये मून लगने लगेगा लेट मी यूज येलो कलर फॉर यू ठीक है सन कहां होगा यहां होगा ठीक है तो सनरेज यहां से आएंगी सन रेज यहां से आएंगी लेकिन रूट्स जो है वो सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रही हैं। रूट्स जो है वो सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रही हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे नेगेटिव नेगेटिव सन से जो रेज आ रही है वो क्या देंगी लाइट देंगी तो फोटो ट्रॉपिज्म ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट तो नेगेटिव फोटो ट्रॉपिज्म नेगेटिव ट्रॉपिज्म मिलेगा ठीक है इसके बाद एक चीज और ये जो रूट्स हैं ये जाती हैं सॉइल में यहां पर डेफिनेटली सॉइल रही होगी यहां पर सॉइल पार्टिकल्स रहे होंगे ना दिस वुड है सॉइल है और अगर मैं इसकी बात ना करूं तो ऑब्वियसली जो आप पॉट्स में प्लांट ग्रो करते हो इसमें बताने की जरूरत तो नहीं है कि उसमें क्या होता है सॉइल होती है तो हम कह सकते हैं दैट दे शो क्या होगा में मिनरल्स होंगे और वाटर होगा है ना मिनरल्स होंगे और वाटर होगा तो ये भी तो कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो किस तरफ ग्रो कर रही हैं वाटर की तरफ ग्रो कर रही हैं तो मैं यहां पर क्या लिख सकती हूं दैट द प्लांट्स और द प्लांट्स द रूट्स शो वॉट पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिजम पॉजिटिव जा रही है पानी की तरफ तो हाइड्रो मतलब वाटर तो मैं यहां लिख सकती हूं देशो पॉजिटिव पॉजिटिव हाइड्रो हाइड्रो ट्रॉपिज्म इज इट क्लियर मैं ये लिख सकती हूं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रही है ऑल राइट ठीक है तो ये हो गया हमारा कुछ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात बचती है कि रूट्स के फंक्शंस क्या होते हैं सो so, मैं यहां पर लिख देती हूं रूट के फंक्शंस भी ठीक है, लेट मी रूल आउट इट फंक्शंस ठीक है एक हम बॉक्स ले लेते हैं, नहीं तो आपको बाद में समझ में नहीं आएगा ठीक है यहां पर मैं लिख देती हूं फंक्शंस क्या लगता है क्या फंक्शंस होंगे रूट के रूट इज गोइंग टू अब्जोर्ब वॉटर एंड मिनरल फ्रॉम दी सॉइल है ना तो लिख दूर अब्सॉर्ब वॉटर एंड मिनरल अब्जॉर्ब वॉटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल और सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है एंकरेज प्रोवाइड करना इतना बड़ा ट्री जो जो लैंड के ऊपर है उसको इतनी देर तक वो तो जीवन भर देखो द ट्री इज ऑलवेज स्टैंडिंग The tree always stands tall. कभी भी वो इधर से उधर हिलता नहीं है ना झुकता है तो भाई किसने इसको होल्ड करके रखा है किसने होल्ड करके रखा है रूट्स ने होल्ड करके रखा है तो एंकरेज का काम भी तो करता है यार एंकरेज का काम करता है लाइफ में एंकरेज का जो पार्ट होता है ये बड़ा जरूरी होता है हर किसी को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सपोर्ट की जरूरत होती है देखो आप कभी लाइफ में अगर कुछ अच्छा कर लो तो भी आपको कोई चाहिए जो आपका सपोर्ट करे चेरिश करे आपकी खुशी में खुश हो और अगर लाइफ में कुछ बुरा हो जाए तो भी हमें चाहिए कि कोई हमें सपोर्ट करे हमारी बुरी तो मतलब इंपॉर्टेंस दिया गया है तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूं कि आप समझ रहे हो इतना बड़ा अगर आपको स्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो सपोर्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी तो आपको मिला हो या ना मिला हो लेकिन आप को किसी का सपोर्ट जरूर बनना चाहिए ओके सो द लेसन ऑफ द डे। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई रूट्स के बारे में अब हम आगे बढ़े इतना आप लिख सकते हैं लिख लीजिए डन, right. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रूट टाइप्स ऑफ रूट सो बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप्स हैं रूट के ठीक है

तो देखो एक तो ऐसा है एक तो ऐसा है ये लैंड है ये भी लैंड है ठीक है और ये भी लैंड है ठीक है चलिए इसके अलावा अगर हम रूट्स को ड्रॉ करना चाहें रूट्स को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो रूट्स हमें कैसी दिखती हैं? देखो एक रूट का टाइप होता है जो ऐसा होता है ठीक है एक होता है जो ऐसी रूट होती है जब आप इस रूट को पुल करोगे तो निकालने पर एक बड़ा सा आपको रूट का पोर्शन दिखेगा लेकिन उसमें से कुछ रूट हेयर कुछ छोटी छोटे 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 रूट निकले होंगे तो दिस इज अ रूट लाइक दिस ठीक है और इसमें से फिर रूट हेयर्स निकले होंगे ऐसे फिर उसमें से भी रूट्स निकली होंगी छोटे छोटे रूट है एक होती है इस टाइप की रूट ठीक दूसरी रूट में क्या होता है डिफरेंस ये होती है ऐसी रूट कभी कभी आपने देखा होगा जब हम किसी प्लांट को निकालते हैं तो पूरा रूट का गुच्छा निकल आता है एक बड़ा सा रूट निकलने की बजाय पूरा गुच्छा निकल आता है तो एक होती है इस टाइप की रूट और ऐसा नहीं है कि इसमें रूट हेयर नहीं है बिल्कुल इसमें भी root hairs मिलेंगे आपको ऐसी रूट होती है ठीक है एक होती है जो कभी कभी प्लांट के दूसरे किसी पार्ट से निकली होती है सपोज करो इफ दिस इज स्टेम सपोज करो दिस तो वॉज देखा होगा कभी कभी रूट्स बाहर ऐसे निकल के आ जाती हैं, ठीक है एक होती है इस टाइप की रूट हाँ ये ग्राउंड से ऊपर जरूर है पर ऐसा नहीं है कि इसमें ग्राउंड के नीचे रूट नहीं होगी वट आई वॉन्ट यू टेल यू इज एक रूट हमें कुछ ऐसी दिख रही है इसकी स्टेम ये है ठीक है इसकी स्टेम ये है ऑल right. और उसकी स्टेम ग्रीन वाली ऊपर वो दिख रही है है ना अब एक बात समझो इस रूट में प्राइमरी रूट कहां है ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये जो बड़ा वाला पोर्शन है दिस इज प्राइमरी रूट इसमें प्राइमरी रूट कहां है कहीं यहीं पर रह गई होगी प्राइमरी रूट यहां पर रह गई प्राइमरी रूट ठीक और इसमें प्राइमरी रूट कहां है तो यहां पर भी कहीं यही रह गई होगी प्राइमरी रूट हमें नहीं मिली है ना तो इन दोनों में नहीं पता चली लेकिन वहां पर प्रॉपरली दिख रही है इसके अलावा रूट में आपको और क्या दिख रहा है तो यू कैन क्लियरली सी यू कैन क्लियरली सी दी लेटरल रूट एज वेल एज रूट हेयर तो देखो लेटरल रूट कौन सी है ये वाली दिस इज लेटरल रूट ठीक और जो छोटे वाले दिख रहे हैं वो है रूट हेयर वो क्या है रूट हेयर यहां पर सारा मिक्स है यहां पर ग्राउंड लेवल से ऊपर है बिकॉज दिस वॉज ग्राउंड दिस वॉज ग्राउंड सब में ठीक है इतनी बात समझ में आ गई अब मैं इनके नाम बता देती हूं ध्यान से देखो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है है ना ध्यान से देखो ये जो ऐसी हम कहते हैं टैप रूट इसे हम क्या कहते हैं टैप रूट ऐसा रूट जिसमें फाइबर दिख रहे हैं बस ऐसे फाइबर फैले हुए फैले हुए रूट को कहते हैं फाइबरस रूट क्या कहते हैं फाइबरस रूट ठीक है और ऐसा रूट एक्चुअली में देखो इसमें भी जो सीड रहा होगा उस सीड में से एम्ब्रियोनल एक्सेस में से ये निकला होगा रेडिकल और ये निकला होगा लेकिन यहां पर तो हमें ऐसा नहीं लग रहा कि रेडिकल में से रूट निकल के आई है हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं और से ही रूट निकली है तो जहां से रूट होनी चाहिए वहां से छोड़ के यानी रेडिकल वाले पोर्शन को छोड़कर अगर प्लांट के किसी दूसरे पार्ट में से रूट निकल आए तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस

दीज आर दी टाइप्स ऑफ रूट दैट वी विल स्टडी दीज थ्री टाइप्स ऑफ रूट सबकी कॉपी में यह होना चाहिए डन ऑल राइट आगे बढ़े अब मैं आपको पहले इतना पढ़ा देती हूं उसके बाद हम देखेंगे जोन ऑफ रूट एंड मॉडिफिकेशन चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि अबाउट वाला पोर्शन है इट अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ से प्लांट ये मैं आपको बता चुकी सिलेंड्रिकल होगी ग्राउंड के नीचे होगी और कैसी होगी नॉन ग्रीन होगी ठीक है डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ प्लांट इट ग्रोज डाउनवर्ड इन दी सॉइल तो सॉइल में ग्रो करती है तो हमें क्या क्या मिलता है मैंने आपको तीन चीजें बताई थी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिजम क्योंकि पानी की तरफ गई सॉइल में पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्योंकि ग्रेविटी की तरफ गई एंड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म क्योंकि लाइट यहां थी लाइट के अगेंस्ट ग्रो कर रही थी ठीक है दूसरा इट लैक्स नोड लीव्स बड्स रूट्स आर सेट टू बी पॉजिटिवली जिओट्रॉपिक नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक ये तो मैंने आपको बता दिया अच्छा जैसे स्टेम में नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं वैसा कुछ रूट में नहीं होता प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम अच्छा वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया उसमें आपको मेन रूट मिलती है जो प्राइमरी रूट मैंने आपको बताया उसे मेन रूट कह रहे हैं एंड लेटरल ब्रांचेस दिखती है मैंने बताया था जो उसकी ब्रांचेस निकले और फिर उससे छोटे छोटे से रूट हेयर निकले होते हैं सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रूट सिस्टम रूट सिस्टम पर हम जाएंगे पर मैं किसी... बता देना चाहती हूँ अगर आप में से किसी को नहीं पता कि नोड और इंटर नोड क्या होता है जो यहाँ इस पॉइंट में लिखा है तो अगर आप किसी स्टेम को देखोगे और ये मान लो उसकी रूट है तो स्टेम में वो पॉइंट जहाँ से कोई लीफ निकल के आती है ठीक है वो पॉइंट जहां से कोई लीफ निकल के आती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज नोड और दो नोड के बीच में ऐसे ये भी नोड रहा होगा दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे रूट्स में नहीं होता है ठीक है सो नोड्स एंड आर नॉट प्रेजेंट इंटरनोड्सर भी प्रेजेंट नहीं होती बर्ड वो जगह होती है जहां से फ्लावर ग्रो कर सकता है ठीक है तो बर्ड बर के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बर्ड पाइकल बर्ड एक्सिलरी बर्ड तो वो सारी चीजें मैं वहां बताऊंगी जहां पर आएंगे अभी नहीं पढ़ना है ठीक है ये इतनी बात समझ में आ गई ये है जनरल एक इंट्रोडक्शन ऑफ द रूट आगे बढ़े जो मैं आपको बता चुकी हूं यह वाला तो आपने लिख लिया था इसके बाद ये भी आपने लिख लिया फिर ये भी आपने लिख लिया। अब देखो, जो जो मैंने अभी आपको करके पहला दूसरा जैसे निकले रहते हैं जिसमें, और तीसरा root system. एक एक करके हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टैप रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट डायरेक्टली इलांगेट कर जाती है मैंने आपको ड्रॉ भी करके बताया था एक प्राइमरी रूट होती है ये होती है प्राइमरी रूट ठीक है प्राइमरी रूट जो है ये ऐसा प्लांट रहा होगा ठीक है प्राइमरी रूट जो है वो कैसे ग्रो कर जाती है इलोंगेट कर जाती है जमीन के अंदर फ्रॉम uh, से निकल आई होगी? मैंने बताया, में ग्रो करती है और ये जो टैप रूट है यह किसमें पाया जाता है ये पाया जाता है डायकॉट्स में डायकॉटिलेड प्लांट्स में नेक्स्ट इट बियर्स लेटर रूट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूट टेप टैप रूट सिस्टम इसमें लेटरल रूट्स कौन सी थी अगर मैं इसे जूम करके बताऊं तो ये ऐसी लेटरल रूट्स होती है फिर आप बोलोगे मैम इसमें रूट हेयर कहाँ है जो लेटरल रूट में से निकल कर आता है इस तरीके से लेटरल रूट में से निकलने वाली ब्रांचेस कहलाती हैं क्या दे आर कॉल्ड एज रूट हेयर ठीक है तो ये हैं लेटरल रूट्स लेटरल रूट्स और ये छोटे छोटे वाले हैं रूट हेयर्स दीज आर रूट ठीक है नोट करिए करिएन ऑल राइट आगे बढ़े नेक्स्ट बात करें टैप रूट हो गया चलिए नेक्स्ट इज फाइब्रस फाइब्रस रूट रूट सिस्टम सिस्टम को याद करने के, तरीके के लिए क्या करना पड़ेगा बस ये याद करना पड़ेगा बहुत सारा हमें क्या दिख रहा है फाइबर फाइबर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये फाइबर फाइब्रस रूट सिस्टम हो गया सो फाइब्रस रूट सिस्टम में मोनोकॉटिलेडिनस प्लांट में पाया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट बात मोनोकॉट्स में पाया जाता है ठीक है दूसरी बात प्राइमरी रूट इज शॉर्टलिफ्ट एंड इज जनरली रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ फाइन फाइबरस रूट मैंने आपसे कहा था

चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एडवेंटिशियस रूट तो देखो अगर प्लांट में कभी भी किसी और वेजिटेटिव पार्ट में से रूट निकल के आ जाए यानी कि ये किसी भी पार्ट में से डेवलप हो सकती हैं डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट कहीं से भी ग्रो हो सकती हैं, लेकिन एक विशेषता है एक जगह से कभी ग्रो नहीं होंगी एक्सेप्ट एक्सेप्ट रेडिकल ये कभी भी रेडिकल में से ग्रो होती हुई नहीं मिलेंगी बाकी प्लांट में किसी भी पोर्शन से ग्रो हो सकती हैं सो एडवेंटेशियस रूट सिस्टम में क्या है सम प्लांट्स हैव रूट्स रूट्स किसी किसी के पास स्पेशल होती हैं उनको हम एडवेंटेशियस रूट कहते हैं और ये रूट्स जो है दीज डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल रेडिकल में से नहीं होगा बाकी कहीं से भी ग्रो कर सकती हैं एंड एग्जांपल में आता है ग्रास मोंटेरा बेनियान ट्री ऑलराइट एग्जांपल जरूर ध्यान रखना फटाफट से नोट कर लीजिए इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं done all right. चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ रूट के बारे में तो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए थे एक तो ऑफ वाटर एंड मिनरल दूसरा मैंने बताया था एंकरेज अब कुछ और फंक्शंस भी हम देखेंगे देखिए ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल होता है सब है सबको मालूम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कुछ नया नहीं, नहीं है नेक्स्ट प्रोवाइड्स एंकरेज टू दी प्लांट यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है इतने बड़े स्ट्रक्चर को टू स्टैंड अबव दी ग्राउंड दूसरा स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटीरियल फूड मटीरियल को भी स्टोर करके रखता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये जो फंक्शन है अब जो बताने वाली हूं वो है एकदम ही न्यू फंक्शन आपके लिए सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी सिंथेसाइज होते हैं रूट्स के अंदर तो अब इसके लिए ट्रिक क्या है जब हम इसे पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे और याद करेंगे सेकंड नंबर पे ये थर्ड और फोर्थ ये क्यों ऐसा क्योंकि बाकी दोनों तो हमें वैसे भी मालूम है जो हमारे लिए थोड़ा नया है वो है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स ठीक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स डन मेन फंक्शन हो गए चलिए अब बात करते हैं जोन ऑफ रूट की ठीक है हेडिंग डाल लीजिए जोन ऑफ रूट जोन ऑफ root. So we'll see it with the diagram. Supposingly, अगर ये एक land area है ठीक है If this is the area of a land, है ना Soil है Soil लिख देती हूँ more appropriate. तो root कैसी होगी देखो root होगी ऐसी ठीक है और रूट में यहां पर ऐसे लेटरल रूट्स होंगी ठीक इसके ऊपर रूट हेयर्स मिलेंगे इसके ऊपर भी रूट हेयर्स मिलेंगे सबको मालूम है ये बात कुछ नया नहीं है ऑल राइट अब देखो रूट रूट जो होती है उसके अलग अलग जोन होते हैं सबसे पहले रूट के पास नीचे की साइड ठीक है टिप पर ये टिप है रूट की ये पूरी सॉइल के अंदर है रूट तो यहां पर एक कवर होता है यहां पर एक कवर होता है ठीक है दिस दिस एरिया इसको हम कहते हैं रूट कैप क्या कहते हैं इसको रूट कैप ये जो टॉपिक है ना ये है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान से सुनना ठीक है इसे हम कहते हैं वी कॉल इट एज रूट कैप लेट मी मार्केट फॉर यू वन मिनट ओके दिस इज रूट कैप ठीक है एक एक करके हम बात करेंगे पहले देख लो कहा क्या होता है रूट कैप के जस्ट ऊपर कुछ सेल्स होते हैं ठीक है रूट कैप के जस्ट ऊपर वाले जोन में कुछ सेल्स होते हैं और ये सेल्स जो हैं इनकी एक स्पेशल एक्टिविटी होती है कि इनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है तो ये डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं ये कैपेसिटी सिर्फ यहां पर प्रेजेंट सेल्स में होती है और इस जोन को हम क्या कहते हैं ध्यान से सुनना ठीक है इस जोन को हम कहते हैं मेरिस्टमैटिक जोन ठीक है जोन ऑफ मेरिस्टमैटिक सेल्स जोन ऑफ सेल्स। मेरिस्टमैटिकलिकोन का सेल है डिस्कस करेंगे एक एक करके किसका क्या काम है लेकिन पहले सुन लो इसके ऊपर जो सेल्स होते हैं यानी यहां पर जो सेल्स होते हैं ठीक है थीके? यहां पर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के जोन को हम कहते हैं zone of elongation, zone of elongation और उसके बाद सबसे ऊपर वाला जो, जो जोन होता है यानी कि यहां पर जो सेल्स होते हैं यहां पर जो सेल्स होते हैं रूट में ये वाले जोन को हम क्या कहते हैं इट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ मैच्यूरेशन मैच्योरेशन और जोन ऑफ मैच्योरेशन में ही आपको मिलते हैं लेटरल रूट एज वेल एज रूट हेयर क्या मिलते हैं आई मार्केट फॉर यू ये जो है ये लेटरल रूट है ठीक है और यहां पर जो दिख रहा है ये क्या है रूट हेयर तो यहीं पे आपको लेटरल रूट्स मिलती हैं और रूट हेयर मिलते हैं इतना क्लियर है सबको किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है देखो मैं एक एक करके इनको डिस्कस करूंगी ब्रीफ में पहले सिर्फ पार्ट सुन लो क्या क्या है सबसे नीचे है रूट कैप जो रूट ग्रो हो रही है दिस इज द रूट तो यहाँ पर एक कैप होगी इसको हम बोलेंगे रूट कैप ठीक है इसके बाद इसके ऊपर जस्ट क्या होगा जोन ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल जहां पर डिवाइडिंग सेल्स होंगे इसके ऊपर कुछ लॉन्ग सेल्स मिलेंगे तो उसे बोलेंगे जोन ऑफ इलांगेशन और सबसे ऊपर आपको मिलता है जोन ऑफ मैचुरेशन यानी कि वो जोन जहां पर आपको क्या मिलते हैं

ठीक है रूट कैप के बारे में अगर हम लिखें तो रूट कैप जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है रूट को ठीक है देखो रूट जो है वो सॉइल में ग्रो हो रही है तो सॉइल में ग्रो होते होते हो सकता है इसके डिवाइडिंग सेल्स डैमेज हो जाएं तो आगे डिवाइड ना करें तो भाई ऐसा कुछ ना हो जाए इसलिए तो कैप लगाई हुई है फॉर दी प्रोटेक्शन तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है

दिस इज द रूट और ये इसका रूट कैप है तो रूट कैप क्या करेगा यहां पर कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करेगा और जो आसपास की सॉइल है उसको सॉफ्ट कर देगा तो ये इजीली रूट यहां पर ग्रो हो सकती है तो इसके पास क्या प्रेजेंट है सेल्स पजेस सेल्स पजेस गॉल्जी गोल्जी बॉडीज गॉल्जी बॉडीज है सेल्स के पास जो क्या करेंगी टू सॉफ्ट दॉइल क्या करती है टू सॉफ्टन सॉफ्ट दॉइल सॉफ्ट दॉइल सॉइल को क्या करती है सॉफ्ट कर देती है रूट कैप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इतनी बात समझ में आ गई दोनों बातें समझ में आ गई ठीक है और रूट कैप के डायरेक्शन में ही ग्रोथ होती है रूट की ठीक है ग्रोज टूवर्ड्स दी ग्राउंड ग्रोज टूवर्ड्स ग्राउंड अब चलते हैं सेकेंड पोर्शन तो रूट कैप के बाद हमने क्या देखा रूट कैप के बाद हमको मिलता है जोन ऑफ मेरिस्टमैटिक सेल जोन ऑफ जोन ऑफ मेरिस्टमैटिक सेल मेरिस्टम का मतलब होता है डिवाइडिंग कैपेसिटी तो इन सेल्स के पास जो सेल्स इस ज़ोन में रहते हैं उनके पास क्या कैपेसिटी होती है डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन दिस जोन न्यू सेल्स आर फॉर्मड इन दिस जोन यहां पर नए सेल्स बनते हैं फिर जब ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक जोन से बनते हैं तो मेरिस्टेमेटिक जोन से ये नए सेल्स बनकर ऊपर चले जाते हैं जोन ऑफ इलॉन्गेशन में तो जोन ऑफ इलॉन्गेशन आता है नेक्स्ट जोन ऑफ इलॉन्गेशन यहां पर कुछ नहीं है बस इलॉन्गेटेड सेल्स हैं ठीक है इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं इलोंगेटेड सेल्स होते हैं देन कम्स दोन ऑफ देन कम्स दोन ऑफ मैच्यूरेशन मैच्यूरेशन जोन ऑफ मैचुरेशन के पास कौन से सेल्स होते हैं ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है मेच्योर्ड सेल्स होते हैं जो अच्छे खासे मेच्योर हो चुके हैं बड़े हो चुके हैं सेल्स ठीक और फुल ग्रोथ पर पर है और इन यही जोन ऑफ मैचुरेशन में ही देखे जाते हैं लेटरल रूट्स लेटरल रूट्स एज वेल एज रूट हेयर यहीं पे मिलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर पी वाई क्यू है नीट का पी वाई क्यू है नीट का नोट करो इतना इतना नोट कर लिया सो यू अ नंबर सबसे नीचे ये मिलता है दूसरे नंबर पर नीचे से ऊपर जाती है ठीक है दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये एंड वन इज दिस ऑल चलिए इतना पढ़ लें ओके okay. सी रीजन्स ऑफ रूट रीजन्स ऑफ रूट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास है रूट कैप रूट कैप जो है वो कैसी होती है थिंबल शेप की होती है एक पॉइंट में यहां पर लिखना भूल गई ये थिंबल शेप की होती है थिंबल शेप क्या होता है थिंबल शेप मतलब ऐसा ऐसी होती है रूट कैप ठीक है एनी वेज पॉइंटेड ही होती है रूट तो उसकी कैप भी वैसी होगी कैप तो सेम शेप की होती है ना जैसा स्ट्रक्चर हो सो एपिक्स ऑफ रूट इज कवर्ड बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जिसे रूट कैप कहते हैं थिम्बल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे रूट कैप कहते हैं ये मल्टी सेल्यूलर होती है कई सारे सेल्स की बनी होती है मेडअप ऑफ पेरन सेल्स पेर एनकाइमा सेल्स होते हैं जो डिवाइड करेंगे इट प्रोटेक्ट टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू दी सॉइल तो सॉइल में अपना रास्ता बनाती हूँ मैंने आपको बताया कैसे बनाती है गोल्जी बॉडीज है गोल्जी जी बॉडीज क्या करती हैं जो वहाँ की सॉइल है उसको सॉफ्टन करने के लिए केमिकल uh, रिलीज करती हैं और मटेरियल जो सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाती है एंड द रूट ग्रोज नेक्स्ट है रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी दिस लेयर इज फ्यू मिलीमीटर अबव थोड़े से मिलीमीटर अबव होती है रूट कैप से थोड़ा सा मिलीमीटर अबव द रूट कैप ठीक है एंड द सेल्स ऑफ सॉरी द सेल्स ऑफ दिस लेयर आर थिन वॉल्ड पतली सेल वॉल होगी छोटे छोटे सेल्स होते हैं विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म बहुत अच्छा होता है क्योंकि डिवाइड करना है सेल को प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस ठीक है दे डिवाइड रिपीटेडली टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स तो मैंने आपसे कहा था न्यू सेल्स कहां प्रोड्यूस होंगे जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में ऑलराइट नेक्स्ट देखिए रीजन ऑफ इलॉन्गेशन तो सेल्स प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक रीजन मेरिस्टेमेटिक के पास में जो है वो है यानी कि मेरिस्टेमेटिक के ऊपर वाला अंडरगो रैपिड इलॉन्गेशन एंड एनलार्जमेंट तो मैंने कहा था एनलार्ज्ड सेल्स होंगे इलॉन्गेटेड तो इलॉन्ग

अब इसमें क्या है सम एपिडर्मल सेल एपिडर्मल मतलब जो रूट की स्किन होगी उसके जो सेल्स हैं फॉर्म द रीजन रीजन ऑफ वाले में क्या करते हैं उनमें से वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको हम रूट हेयर कह देते हैं रूट हेयर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल ऑफ द सोइल ज्यादा से ज्यादा वाटर uh, और मिनरल सॉइल में से अब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करते हैं रूट हेयर एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ एक एक चीज बनती है कि रूट कहां से निकलता है और लेटरल रूट कहां से निकलता है ये क्वेश्चन एग्जाम में तो लेटरल रूट और रूट हेयर एक्चुअली कहां देखे जाते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन में तो हम कहते हैं जोन ऑफ में ही मिलेगा वहीं से निकलेगा लेकिन एग्जैक्टली जो पॉइंट है जहां से ये निकल के आ रहे हैं तो आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रूट हेयर लेकिन आगे लिखा है सम एपिडर्मल एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम रीजन ऑफ सेल में से निकला है यानी इसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो ये मान लो हमारी रूट थी तो रूट की एपिडर्मिस वाली लेयर तो ये वाली लेयर हुई ठीक और एपिडर्मिस के अंदर से तो कहीं से क्या निकल के आ रहा था लेटरल रूट आ रहा था लेटरल रूट कहीं अंदर से निकल के आ रहा था लेकिन इस एपिडर्मस स्किन तो देखो बॉडी में हर जगह होती है यही स्किन सब जगह प्रेजेंट होगी, पर भी प्रेजेंट होगी, अब उसमें से जो हेयर निकलेंगे उसको हम रूट हेयर कहते हैं उसको हम रूट हेयर कहते हैं ठीक है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रूट हेयर ऊपरी सतह से निकली है स्किन कित सतह से निकली है तो ये है एग्जोजीनस एग्जो जीनस एरिया में से आती है एक्सोजीनस एरिया में से ग्रो होती है और लेटरल रूट कहीं अंदर से निकल कर आई होगी तो ये जो होती है ये हमें कहां से निकल के आती हुई दिखती है एंडोजीनस एंडोजीनस एंडो का मतलब एंडो का मतलब होता है इनसाइड एग्जो का मतलब होता है आउटसाइड बाहर कहीं से जो निकला वो रूट है तो एग्जोजीनियस एंडियस है लेटरल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है इतनी बात समझ में आ गई चलिए आगे बढ़े हमने पढ़ लिया है क्या जोन ऑफ रूट क्या क्या जोन होते हैं अब बारी है मॉडिफिकेशन की ठीक है तो लेटर्स टॉक अबाउट दी मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स देखो मॉडिफिकेशन क्या होता है मॉडिफिकेशन एक मैं आ, आपको बात बताती हूं मान लो इफ आई एम योर बायोलॉजी टीचर तो मेरा काम क्या है आपको पढ़ाना ठीक है मैं आपकी बायोलॉजी के मेंटर हूं मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना है ठीक है और प्रोफेशन से मैं एक डॉक्टर हूं तो मेरा काम है कि मैं पेशेंट्स को भी देखूंगी इन दो काम के अलावा मैं कुछ नया काम करने लग सपोज करो कि मैं अपने कैमरा मैन रितेश भैया जो मेरी रिकॉर्डिंग करते हैं मैं उनका काम करने लग तो तो वो तो मेरा काम नहीं है तो ये मैंने क्या किया मॉडिफिकेशन कर लिया या सपोज करो कि जो काम मेरे क्लिनिक में, में मेरे अटेंडर करते होंगे मैं वो काम करने लग जाऊं तो वो तो मेरा काम नहीं है मेरा काम क्या है पेशेंट को देखना तो मैं अपना काम छोड़कर अगर कोई और काम करने लग जाऊं तो उसे कहते हैं मॉडिफिकेशन ठीक है तो मॉडिफिकेशन क्या होता है एनी फंक्शन और एनी वर्क दैट इज परफॉर्म्ड बाय इट्स मतलब अपने कैरेक्टरिस्टिक के अलावा है ना एक्स्ट्रा में अगर ये परफॉर्म करे तो वो मॉडिफिकेशन है ठीक है अपार्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फंक्शन एनी फंक्शन परफॉर्म एनी फंक्शन परफॉर्मड अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी यानी कि प्राइमरी या फिर मैं ऐसे बोलूं अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी और मेन फंक्शन कोई भी काम जो आपका नहीं है अगर उसे आपने कर दिया तो आप कहला जाते हो मॉडिफिकेशन तो सेम चीज रूट में होगी सेम चीज़ में हो सेम चीज चीज लीव्स में में होगी होगी स्टेम भी हो ये अपना काम छोड़ के कुछ और करने लगते हैं अब जैसे आप हो आपका एम है क्या कि मुझे नीट क्लि नीट क्लियर करना है नीट क्वालिफाई करना है मुझे डॉक्टर बनना है मेडिसिन की पढ़ाई करनी है लेकिन अगर आप इस एम के अलावा कुछ नया ही कुछ और ही करने लग जाओ अपना काम छोड़ के तो दैट इज मॉडिफिकेशन ठीक है तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट समझ में आ गया कि होता क्या है हम क्या पढ़ रहे हैं कि रूट ने अपना काम छोड़ के जो मैंने फंक्शंस बताए थे उसको छोड़कर कुछ और करना शुरू कर दिया तो इसमें इस इस के के लिए हमारे पास, इस point के लिए हमारे हमारे पास पास अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं रूट के ठीक है सो वॉट आर दो मैं आपको वो बता देती हूँ पहला पहला जो मॉडिफिकेशन है इट इज रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी मॉडिफिकेशन मिलता है मैं सब कुछ डायग्राम के साथ आपको दिखाऊंगी पहले समझ लो रेस्पिरेटरी मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जहां पर रूट अपना एंकरेज का या एब्जॉर्प्शन का या ग्रोथ हार्मोन प्र, प्रमोट करने का बनाने का काम छोड़कर रेस्पिरेशन में मदद करने के लिए काम करने लगे तो उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी मॉडिफिकेशन रेस्पिरेटरी मॉडिफिकेशन के अलावा रेदर आई शुड राइट रेस्पिरेटरी रूट ठीक है वो रूट क्या कहलाएगी रेस्पिरेटरी रूट कहलाएगी दूसरा दूसरा जो मॉडिफिकेशन है वो कहलाता है प्रॉप रूट वो कहलाता है प्रॉप रूट सब बताऊंगी डायग्राम के साथ नाम सुन लो तीसरा मॉडिफिकेशन कहलाता है स्टिल्ट रूट तीसरा मॉडिफिकेशन क्या कहलाता है स्टिल्ट रूट एंड मॉडिफिकेशन स्टिल्ट रूट के अलावा प्रॉप रूट के अलावा रेस्पिरेटरी रूट के अलावा ये सब कुछ तो क्या काम कर रहे हैं अलग अलग ही काम कर रहे हैं मैं इन दोनों के काम आपको बताऊंगी ये वाला रेस्पिरेशन का काम कर रहा है एक और रूट होता है जो स्टोरेज का काम करता है तो उसे हम सीधा कह देते हैं स्टोरेज रूट अब आज का आपका जो होमवर्क uh, है कमेंट सेक्शन में आपको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मेंशन करने हैं फटाफट से हेडिंग डालो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट और पहला लिखो पहले नाम याद करो पहला लिखो रेस्पिरेटरी रूट दूसरा प्रॉप तीसरा स्टिल्ट ठीक है और द फोर्थ वन इज स्टोरेज फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करो फिर मैं इनको एक्सप्लेन करती हूं सो वी विल नाउ अंडरस्टैंड दिस नाम याद हो गए रेस्पिरेटरी है

मान लो ये वो प्लांट की लीव्स हैं ठीक है थीके? ये रूट थी तो ये एक मॉडिफाई होकर के ऐसा बन जाएगा ठीक है ऐसा बन जाएगा सो और यहां पर स्टोरेज का काम करेगा यहाँ पर स्टोरेज का काम करेगा ये वही टैप रूट थी लेकिन मॉडिफाई हो गई और बल्ज आउट कर गई और अपने अंदर कुछ स्टोर करने लग गई तो स्टोर ये क्या करेगी फूड स्टोर करेगी ठीक है किसमें देखा जाता है टैप रूट ऑफ कैरेट देखा जाता है यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं आपको. Turnip, radish, पर बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं इसको नीट मार्क करने की जरूरत है ये पॉइंट नीट मार्क करने की जरूरत है देखो ठीक है अगर मैंने आपको ये अभी नहीं अभी नहीं बताया ये वाला पॉइंट यहाँ से ठीक है

स्टोरेज समझ में आ गया ऐसी रूट दिखेगी यहां पर ये स्टोरेज का, का काम करेंगे अपने अंदर फूड स्टोर कर लेंगे मोटी सी रूट हो जाएगी अंडरग्राउंड तो स्वीट पोटैटो अंडरग्राउंड होती है लेकिन पोटैटो अंडरग्राउंड नहीं है इतनी बात समझ में आ गई चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेटरी रूट रेस्पिरेटरी रूट जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है ऐसे प्लांट में जो मार्शी यानी कि दलदल वाले एरिया में ग्रो करते हैं तो वहां पर होता क्या है कि अगर मान लो मान लो ऐसा ये दलदली एरिया था ठीक है तो जमीन तो यहां पर थी लैंड तो यहां से चालू था लेकिन ये पूरा क्या है दिस होल इज दी मार्शी प्लेस जो दलदल है मिट्टी और पानी मिलके जो बनी है थेके? अब यहां पर रहने वाला प्लांट ये जो यहां पर प्लांट रह रहा है ठीक है उसको क्या हो रहा है प्रॉपर एयर नहीं मिल रही ये मार्श होने की वजह से सॉइल में एयर की हो गई कमी सॉइल में एयर की कमी हो गई अरे Soil में क्या हुआ एयर की कमी हो गई ठीक है ये मान लो इसकी सॉइल है अरे पानी जैसा लग रहा है मिनट। इफ दिस इज़ ठीक है और यहां पर एयर कम हो गई ठीक है ये O2, O2, O2. बस इतना ही है तो अब बेचारी ये रूट क्या करे इस प्लांट की आफत आ जाएगी ये प्लांट जो है वो मर सकता है प्लांट जो है वो मर सकते हैं क्योंकि इसके पास क्या कम है ऑक्सीजन एयर कम है इसके पास तो ये क्या करेगा ये अपनी रूट को यहां से लेकर जाएगा मार्शी एरिया में से ऊपर ऐसे ग्रो करा देगा अब एक एक से तो काम होगा नहीं तो आपको यहां पर मार्शी एरिया में से बहुत सारे ऐसे रूट के पोर्शंस ग्रो होते हुए दिखेंगे इनको हम कहते हैं न्यू मैटोफोर्स न्यू मैटोफोर्स न्यू मैटोफोर्स मैटो कहां देखा जाता है जहां पर मार्शी मार्शी सॉइल होती है मार्शी सॉइल होती है मार्शी एरिया जो होता है दलदल का वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है सॉइल में तो रूट को बाहर निकलना पड़ता है और फिर वो इस नेचर में से अपना ऑक्सीजन अपना कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ ऑप्टेन करेगा नेचर में से एयर ले, ले लेगा ठीक है सो so, इनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट इन्हें हम क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत इतने में ये बात समझ में आ गई अब तुम एक चीज नहीं सीखते हो इससे कि यार करने वाला ना कुछ भी कर सकता है

कौन सी चीज चाहिए यार तुम्हें मोटिवेट होने के लिए पूरी साइंस पूरी बायोलॉजी तो मोटिवेशन है हर जगह आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है अभी एनिमल किंगडम में वो चिड़िया उड़ने लग गई थी बच्ची जो थी बेबी बर्ड उसमें हमने पढ़ा था एव्स में यहां पर ये प्लांट कह रहा है अच्छा तुमसे नहीं हो रहा प्लांट मर ना जाए तो ये अपना दूसरा रास्ता ढूंढ कर सक्सेस की तरफ जाता है मतलब मेरा जो गोल है जो एम है वो प्लांट की ग्रोथ है वो नहीं रुकना चाहिए वही इसकी सक्सेस है तो उसने उसके लिए दूसरा रास्ता ढूंढ लिया जब इसके मार्क्स कम आए थे जब मार्शी एरिया में था ठीक है आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट राइट रेस्पिरेशन समझ में आ गया रूट्स में अब देखो इसे पढ़ लेते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स में क्या है इन सम सम्लांट सच एज राइजोफोरा राइजोफोरा कहा ग्रो होते हैं स्वैम्पी या मार्शी एरिया में मेनी रूट कम आउट ऑफ ग्राउंड वर्टिकली वर्टिकली ऊपर ग्राउंड में से रूट आ जाती है टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन सच रूट्स आर कॉल्ड एज न्यूमेटो इनको न्यूमेटो कहते हैं क्लियर हो गई ये बात आगे बढ़े प्रॉप रूट प्रॉप रूट क्या होती है में देखा देखा जाता है। है। आपने होगा? देखो बिल्कुल ऐसा दिखता है, मैं बना के भी बता देती हूँ इसमें क्या होता है ये बड़ा सा ट्री है ठीक है ये बड़ा सा ट्री है ठीक तो इस ट्री में ये लैंड है, है ना और इसकी Soil में रूट रही होंगे ऐसे बहुत बड़ी बड़ी ठीक लेकिन इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो इसको क्या करना पड़ेगा इसको खुद को भी सपोर्ट करना पड़ेगा ठीक है तो सपोजिंगली ये इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है सपोजिंगली ये इसकी ब्रांचेस हैं, तो ये क्या करता है अपनी ब्रांचेस में से रूट्स डेवलप कर लेता है ऐसे ब्रांचेस में से रूट्स डेवलप कर लेता है ऐसे आपने देखा होगा ये वो जो बहुत सारी डरावनी मूवीज में नहीं होता है जब वो जंगल में चले जाते हैं हीरो हीरोइन वहीं पे भूतनी आती है फिर वो इसी रूट में से लटक के आपको देखती है सो दिस इज समथिंग दिस इज अ रूट जो ब्रांच से निकल के आ रही है रूट दैट अराइज फ्रॉम दी ब्रांच रूट अराइज फ्रॉम ब्रांच और ये क्यों निकल कर आई थी ये इसलिए नहीं आई थी कि आपकी भूत की कोई मूवीज बन जाए और आप डर जाओ ये इसलिए निकल कर आई थी क्योंकि इसे सपोर्ट प्रोवाइड करना था इसे क्या करना था सपोर्ट प्रोवाइड करना था किसको सपोर्ट प्रोवाइड करना था इतना बड़ा ट्री है तो किसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ब्रांचेस को ठीक है टू होल्ड ऑन सच अज एग्जाम्पल एग्जाम्पल पर जाओ बैनियन ट्री ठीक सबने देखा है कुछ नया नहीं है सो दीज रूट आर कॉल्ड एज डायग्राम भी बना लेना साथ में दीज रूट आर कॉल्ड एज प्रॉप रूट इनको प्रॉप प्रॉप रूट रूट कहते हैं ठीक है है का ये सब लिख के डायग्राम बनाना है, और ये लिख के रखना है ये डेफिनेशन दे अराइव फ्रॉम दी ब्रांचेस ऑफ स्टेम फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट के लिए आई है हैवी ब्रांचेस के लिए एक पिलर की तरह हेल्प करेगी इनको बैनियन ट्री बोलते हैं एग्जाम्पल इसका हो गया आगे बढ़े सॉरी आगे बढ़े नेक्स्ट इज स्टिल्ट रूट स्टिल्ट रूट जो होती है ये भी सपोर्ट के लिए ही होती है बेसिकली ठीक है दिस इज ऑल्सो फॉर दि सपोर्ट लेकिन कैसे दे अराइज फ्रॉम लोअर नोट ऑफ स्टेम टू सपोर्ट मेन एंड एंटर दी ऑब्लिकली अगर ये सॉइल है ठीक और ये हमारा प्लांट है ये स्टेम है मान लो ठीक है ये स्टेम है तो मैंने आपको बताया था कि स्टेम में वो पॉइंट जहां से लीफ निकल कर आती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं नोड कहते हैं ठीक तो इन स्टेम की मैं नोड्स बना रही हूं अभी आपको नोड्स दिखा रही हूं दीज आर दी नोड्स जो मैंने ऐसे ड्रॉ किए ये नोड्स हैं ठीक इन नोड्स में से रूट निकल जाती है इन नोड्स में से रूट निकल जाती है कैसे ऐसे नोड्स में से रूट निकल आती है ठीक है तो ग्रीन वाला ये वाला जो पोर्शन है लेट मी टेल यू ये जो है ये है नोड इसमें से निकली रूट और ये रूट जाकर कहां मिल गई ये रूट जाकर कहां मिल गई यहां सॉइल में मिल गई सॉइल में अटैच हो जाएगी तो बेसिकली ये निकली क्यों है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्रोवाइड सपोर्ट ऐसी रूट को हम क्या कहते हैं रूट ये आपको देखने को मिलता शुगर केन और मेज में शुगर केन और मेज में देखने को मिलता है क्लियर नोट कर लिया इतना सारी इमेजेस दिख गई चलिए आगे देखें हो गया सो नाउ फॉर टुडे हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है इट इज कंप्लीटेड फॉर दी चैप्टर मॉर्फॉलोजी इन फ्लॉरिंग प्लांट आई होपे आपको क्लियरली समझ में आया होगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिखकर डिस्क्रिप्शन uh, में, में लिख कर जाना है आज का होमवर्क इंपॉर्टेंट इस को हम uh, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे, अच्छी स्पीड में भी पढ़ेंगे लेकिन हम सब कुछ याद करेंगे सब कुछ पूरा, पूर, पूरा का पूरा चैप्टर समझेंगे ये पहला लेक्चर है आज से याद करना चालू कर देना बिल्कुल आलस नहीं करना है और पुराने चैप्टर को रिवाइज करते रहना है कहां पर रिवाइज कर करेंगे आप youtube पर रिवाइज कर सकते हैं हमारे ऐप पर या ऑफिशियल वेबसाइट पर रिवाइज कर सकते हैं वहां जाने के लिए आपको मिलेगा आ, लिखा हुआ टॉप कोर्स जैसे ही आप वहां जाएंगे तो आपको टॉप कोर्स लिखा मिलेगा ये सारे हमारे टॉप कोर्सेज हैं मैग्नेट ड्रीम्स के थ्रू आपको अपना टॉप कोर्स नीड सेलेक्ट करना है और पूरे वीडियोस आप देख सकते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अलावा अब आपके लिए अवेलेबल है बुक्स और ई बुक्स थ्रू दी मैग्नेट ब्रेन जिनमें आपको मिलता है बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसे एक्सेस कर लीजिए और जरूर पढ़िए ऑल्सो छोटी सी चीज आपको करनी है सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को ताकि आपका कोई भी वीडियो कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो एज वेल एज शेयर जरूर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स और सिब्लिंग्स के साथ और लाइक जरूर कर देना वीडियो को अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो देखो जब भी आप लाइक करते हो तो याद रखा करो मेरे लिए लाइक करते हो और सब्सक्राइब अपने लिए करना है क्योंकि हमें किसी से पीछे नहीं रहना है मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए थैंक यू सो मच टेक केयर एंड कीप स्टडी